अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बोला क्लास 11th रिजल्ट के रिगार्डिंग कि मैं कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा कि आज ही रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। वो मैंने क्यों बताया था, बिकॉज देखो एज पर एकेडमिक कैलेंडर जेके बोस ने देखो क्लास 10th का भी रिजल्ट एज पर एकेडमिक कैलेंडर ही निकाला था थर्ड वीक ऑफ जून, एंड क्लास 12th का भी सेकेंड वीक ऑफ जून में निकाला था एज पर एकेडमिक कैलेंडर, राइट। तो एज पर एकेडमिक कैलेंडर ही क्लास 11th का रिजल्ट निकलना चाहिए था लास्ट वीक ऑफ जून में, दैट इज आज जो है 30th जून जो है वो लास्ट डे है ऑफ जून मंथ, राइट। तो आज Anyhow, इनको रिजल्ट निकालना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली दोनों कह सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए कह रहा हूं कि जेके बोस ने अपना जो एकेडमिक कैलेंडर है वो फॉलो नहीं किया, ठीक है। अगर आज नहीं निकाल रहा है देन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब अगर हम बात करें फॉर्चुनेटली मैं क्यों बता रहा हूं कि आज अगर रिजल्ट नहीं निकला देन इट्स गुड, बिकॉज आज ईद भी थी, जो मैंने पिछले वीडियोस में ये भी बताया कि आज अगर इनने रिजल्ट निकाला तो इनको आपके साथ कुछ पर्सनल दुश्मनी है, ठीक है। तो ईद के दिन तो मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं थी कि ये रिजल्ट निकाले, लेकिन वहां से ये भी था कि एकेडमिक कैलेंडर में इन्होंने पहले ही मेंशन किया था कि लास्ट वीक ऑफ जून में हम रिजल्ट एनीहाउ निकालेंगे, ठीक है। दैट मींस आज इनको एनीहाउ रिजल्ट निकालना था, लेकिन अब अगर नहीं निकाल रहे हैं तो हम इनको फोर्स भी नहीं कर सकते। हालांकि ये बहुत ही गलत है, अगर आप एकेडमिक कैलेंडर को भी फॉलो नहीं कर रहे हो देन मुझे नहीं पता कि जेके बोस का क्या सीन चल रहा है। तो इसमें मैं एक ही चीज बता सकता हूँ जेके बोस वालों को, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एक किस्म की लापरवाही है। तो जो आप क्लास 11th के बच्चे उनके लिए मेरे पास दो टिप्स है। देखो आज रिजल्ट नहीं आया, राइट, आज दूसरी ईद थी, अब थर्ड ईद है। देखो अगर आप कल रिजल्ट आना होगा, 1st जुलाई रिजल्ट आना होगा तो शाम को आएगा, राइट। लेकिन जो आपके पास दिन है उसमें खिसक जाओ कहां, अपने हॉस्टल्स में, क्योंकि अगर रिजल्ट आएगा अभी कॉल पे डांट पड़ेगी, सामने कुछ नहीं होगा, ठीक है। सामने वो जूते वगैरह झाड़ू वगैरह नहीं पड़ेंगे, ठीक है, अपने पेरेंट्स से या कुछ भी रिलेटिव्स वगैरह से। लेकिन जो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए मेरे पास कोई टिप नहीं है, वो फंस चुके हैं, ठीक है। इंशाल्लाह सबके मार्क्स अच्छे ही आएंगे इंशाल्लाह। तो अब अगर हम टिप नंबर 2 की बात करें, जो भी रिलेटिव्स है, देखो आप सबको पता है सारे रिलेटिव्स आपस में फिजिकली अच्छे से बात नहीं करते, तो उनको ब्लॉक लिस्ट में यूनाइट कर दो, ठीक है। तो सब रिलेटिव्स को ब्लॉक लिस्ट में अच्छे से यूनाइट कर दो, वहीं पे गपशप करेंगे। और टिप नंबर 3 लास्ट टिप, जो मैंने पहली 2 टिप्स बताई है उनको फॉलो नहीं करना, बिकॉज ये मैंने क्यों बताया था, सार्कास्टिक वे में बताया था, ताकि आप हंसो थोड़ा सा। आई नो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो एट पीक है। तो अब अगर हम बात करें, पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी स्ट्रेस मत लो इंशाल्लाह। देखो 11th की मार्किंग लीनेंट होती है एज कम्पेयर टू 12th, आप सबका इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा, इंशाल्लाह देखना आप सब। और मैं साथ ही साथ ये रिक्वेस्ट करता हूँ स्टूडेंट से, ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें, बिकॉज मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेहरबानी एंड मेहरबानी करके अपने बच्चों को इन मार्क्स के बेसिस पे जज नहीं करना। यहाँ पे हमारे पास, हमने 12th का जब रिजल्ट देखा तो मोस्ट ऑफ द बच्चे मतलब ऐसे थे जिनने नीट भी क्वालिफाई किया था, एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनने जेई मेंस भी क्वालिफाई किया था, लेकिन उनका बोर्ड में रेपियर आ गया, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट, ठीक है। अब उसका मतलब क्या है, देखो नीट जेई वगैरह जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे आपकी रियल नॉलेज देखी जाती है, और जो बोर्ड्स है इसमें अगर गोटा याद करें, एक ही महीने में गोटा याद करें, तो आप 500 मार्क्स भी आराम से ला सकते हो। एंड इवन वहां पे सिफारिश वगैरह भी चलती है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं चलती, ठीक है, वहां पे गोटाफिकेशन वगैरह नहीं चलता। तो आप अपने बच्चों को इस 11th के बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे जज नहीं करना मेहरबानी करके, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो फिर बात करना ही छोड़ देते हैं, एज इफ वो जानते ही नहीं है अपनी बेटी या बेटी को, जानते ही नहीं है। तो ऐसी गलती मेहरबानी करके नहीं करना, आपके बच्चे को जैसे भी मार्क्स आए अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, शुक्र पढ़ना, पेरेंट्स भी शुक्र पढ़ने चाहिए एंड जो स्टूडेंट्स है वो भी शुक्र पढ़ने चाहिए, और अपने नेक्स्ट गोल में लग जाओ काम पे। जो आपका असली गोल है वो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अपने 12th में भी अच्छे से पहले से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दो, इंशाल्लाह यू ऑलवेज विल शाइन, ठीक है। सो बाकी मुझे यही कहना था इस वीडियो में, बाकी जैसे ही रिजल्ट आपका आना होगा आई विल लेट यू नो जैसे ही कंफर्मेशन आती है ऑफिशियल से। सो बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब 30K के नजदीक है, 30K इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप सब पे कि हम 30K जल्दी पहुंचेंगे, अचीवमेंट ये भी पार हो जाएगा जल्दी। सो बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।